सभी परम सिद्ध श्रद्धेय संत और साध्वी गणों को प्रणाम। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्मरण हम यहां पर कर रहे हैं। मेरा उनका पहला परिचय श्री गुरु जी जन्म शती के समय जबलपुर में उनका जहां निवास था वहीं पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, तब हुआ। से तो कार्यक्रम में हम रहे उसमें तो परिचय होता है, लेकिन उनके साथ घंटा भर फुर्सत से बैठकर एक से एक की बातचीत ऐसी बातचीत भी हुई। उसी समय ये बात ध्यान में आई कि तर्क से तो बात रखते ही है, उनकी कही बात को तर्क से नकारना संभव नहीं होता है, परंतु केवल इतना नहीं था, उस तर्क के पीछे भी उनकी एक सहज आत्मीयता ध्यान में आती थी, यानी अपनेपन की बात होती थी। ये मैं तो पहली बार मिला था, और वैसे आत्मीयता होने की कोई वजह नहीं थी, कोई दीर्घकाल का संबंध आना जाना नहीं था, कुछ नहीं था। परंतु ये ध्यान में आया, संतों के बारे में ऐसा कहते हैं कि ऐसी कळवळ्याची जाती लाभाविण करी प्रीति, ऐसे संतों में एक स्वाभाविक गुण होता है, सबको अपना मानते हैं, और उनकी क्योंकि पूर्ण वैराग्य है, किसी से कुछ चाहते नहीं, तो इस सहज आत्मीयता उसके कारण ऐसा लगा कि उनको मिलेंगे, और मैं भी मिलता रहा। हमारे संघ के जो सीनियर अधिकारी है, सूरी जी सोनी हो, भैया जी जोशी हो, हम लोग समय समय पर मिलते थे। चौमासे में वो कहाँ है पता लगाकर मैं जाता था, क्योंकि हमारे लिए ये एक व्यक्तिगत पोषण की बात थी उनके साथ बात होना, कोई निमित्त नहीं, जाके मिलना बैठना। और वो किसी विषय की चर्चा छेड़ते थे, उसमें से कई बातें हमने क्या करना चाहिए, किस दिशा में सोचना करना चाहिए, अनायास ही मिल जाती। कई बार ऐसा भी होता था कि मन में कोई जिज्ञासा लेके जाते हैं, प्रश्न लेके जाते हैं, और बिना उनको बताए सहज ही उधर से उत्तर मिल जाता है। सटीक ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने कोई रास्ता बताया हो उस पर चल के हमको विफलता मिली। कोई भी जटिल विषय हो उनके सलाह के अनुसार चले तो हम हमेशा यशस्वी हुए। मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत ये मेरे हानि की बात है उनका पार्थिव यहां न होना, बल्कि उनके जीवन में से भी इतना है कि उसको स्मरण करते रहे तो जीवन भर का पाथेय हमें प्राप्त होते रहता है। परंतु वो जो सान्निध्य मिलता था, बात होती थी, कल्पनाएं मिलती थी, परामर्श मिलता था, लेकिन और कुछ बात थी जो उनके यहां बैठे आधा घंटा तो आगे साल भर के लिए मन बड़ा स्थिर रहता था। ये तो आप जो जो उनसे मिलते रहे होंगे उन सब ने अनुभव किया होगा, क्योंकि उनका कोई स्पेशल मेरे लिए कुछ था ऐसा नहीं है, ये सबके साथ उनका ऐसा रहा ही होगा। अत्यंत कठोर व्रताचरण और संपूर्ण वैराग्य निष्पृहता, मैं कहता हूं कि किसी राष्ट्र के जीवन में किसी समय ऐसे व्यक्ति उपलब्ध रहना ये उस राष्ट्र की बड़ी पूंजी है। तो हमारे राष्ट्र की वो एक निधि थे, और कई बातें उन्होंने आगे के लिए भी बता रखी है, देश के विकास की दिशा क्या हो। उनका बड़ा आग्रह रहता था कि अपने देश के स्व के आधार पर विकास हो, और इसलिए लगातार उन्होंने ये आग्रह रखा था
कि अपने देश को भारत कहो, इंडिया मत कहो। और जब राष्ट्रपति जी ने भारत के राष्ट्रपति के नाम निमंत्रण भेजे और उसके पीछे शासन भी खड़ा हो गया, उस समय उसके बाद मैं डोंगरगढ़ अभी भी विजयादशमी के पहले जाकर, वो बड़े प्रसन्न थे और उन्हें कहा कि अपने नाम में स्व से शुरू करो तो उसी के आधार पर उन्नति होती है। उन्होंने कहा कि अपने ग्रामीण इलाकों में कई उत्तम प्रकार के कारीगर है, परंपरा से चलने वाले, उनके कारीगरी के आधार पर देश का उत्पादन बढ़ाए, प्रोडक्शन बाय मासेस, मास प्रोडक्शन। ये मैं उनके शब्द नहीं बता रहा हूं, जो मैंने समझा, उनके उत्पादन को बढ़ा दो तो रोजगार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। और कई ऐसी बातें, शुद्ध भारतीय परंपरा का विचार और आज की परिस्थिति में बिल्कुल काल सुसंगत एक प्रकार का राष्ट्र का दर्शन ऐसा भी हमको मिलता था। और कुछ ना मिले तो भी वहां बैठे तो भी हम समर्थ हो जाते, ऐसा हमको लगता। अब वो सान्निध्य तो हमारे पास है नहीं, लेकिन उसके स्मरण मात्र से भी कुछ प्राप्त होता है। और जो उपदेश उनका रहा है, व्यक्तिगत अपनी साधना के लिए हो, व्यक्तिगत अपने जीवन के आचरण के लिए हो, या राष्ट्र जीवन की दिशा कैसे हो इसके बारे में हो, वो सभी बातें मुझे लगता है आज 100% सुनने लायक, मनन करने लायक, उन पर आगे बढ़ने लायक है। और ऐसे विद्यासागर जी महाराज, हमारे राष्ट्र ऋषि, उनके बारे में मेरा श्रद्धावनत होकर मैं उनको और मेरी श्रद्धांजलि